प्रतिष्ठान की अध्यक्ष हूँ। मैं तांबापुर में खड़ी हूँ इस समय। कल यहाँ पे 2 बजे से रात के 12:30 बजे तक पानी भरा हुआ था, मेरे घुटनों तक पानी था। यहाँ पे लोगों के घरों के अंदर पानी था, जिसमें इनके इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सामान थे, फ्रिज, टीवी, अपना कूलर, मिक्सर जो भी था, इनका सभी खराब हुआ है। और जो पंचनामा किया गया है वो भी आधे घरों में हुआ है, आधे घरों में पंचनामा नहीं हुआ है। तो मैं पराग सर से ये विनती करूंगी कि एक बार हम उन्हें निवेदन दें कि पंचनामा जिनके यहाँ नहीं हुआ है उनके यहाँ फिर से पंचनामा किया जाए। और पंचनामे में भी उन्होंने सही रकम डाली नहीं है, जो नुकसान हुआ है वो। दूसरा, आज की परिस्थिति आप देख सकते हो, यहाँ पे आज की डेट में पानी नहीं है। ताई काय म्हणता, काय परिस्थिती होती काल? 2 वाजता पाऊस सुरू झाला आणि 10 मिनिटं पाऊस आला, 10 मिनिटाच्या पाण्यामध्ये आमच्या घरामध्ये इतकं पाणी भरलं गेलं की ते 12:30 वाजेपर्यंत मध्ये कचरा अटकलेलं होतं नाल्यामध्ये, त्याच्यामुळे ते पाणी पास होत नव्हतं। तर 12:30-1 वाजेपर्यंत पाणी ते म्हणजे पास करायची कोशिश केली, सगळे लोक जमा झाले, बाहेर निघाले, तेव्हा आमच्या घरातले पाणी कमी झालं। मावशी, कालपासून मग घरातली अन्नाची आणि याची परिस्थिती कशी होती? अन्नाची परिस्थिती अन्न तर होत असते, पण आम्हाला जेवण पण आले होते। मग हे लोक होतेच का तुमच्या बरोबर? ते आमच्या बरोबर होते। अच्छा। आणि ते पावसामध्ये बी आमच्या बरोबर दिसले। अच्छा। तर घरामध्ये जाऊन संतप मिसळले लोकांना। आपके साथ लोकशक्ति के कितने लोग? लोकशक्ति के करीबन 51 लोग यहाँ पे मौजूद थे। अभी भी उसमें से जो पदाधिकारी है सारे ही यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। काल जळगावात पहिला पावसाच्या धारेने 1 तास पावसामध्ये तांबापूर अर्ख गुडघ्यावरच्या पाण्यामध्ये भरलेलं होतं। 700-800 घर होते ते पाण्याखाली गेलेले होते। लोकांचे फ्रीजच, धान्याचं, दुकानांचं इतकं नुकसान झालेलं आहे की त्याची गणना करणं आत्ता चालू केलेलं आहे। आम्ही प्रशासनाकडे ही मागणी करतोय की त्या सगळ्यांना ह्या सगळ्या नुकसान भरपाई भरून मिळावी आणि याच्या पुढे अशी कुठलीही परिस्थिती ओढवू नये ज्याच्यामुळे ही परिस्थिती परत येईल। कल के रोज जो 3 बजे के दरमियान पानी गिरा उससे भगतपुरे के अंदर बहुत भरा हो चुका था पानी का। इससे जो है सामान्य नागरिक को बहुत तकलीफ हुई, उनके घरों तक जो है घुटने तक पानी था। उनके वहाँ पे जो सामान थे, फ्रिज, टीवी, कूलर, इनका भी नुकसान हुआ। और जो खाने के उनके पास वस्तु थे, जो रोज किलो आधा किलो लाके अनाज भरते घर में, गरीब लोग रहते, और वो अनाज उनका पानी में बिक गया। इसके वजह से वहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ हुई। इसके ऊपर जो है शासन के लोग भी और प्रशासन के लोग भी तवज्जो देंगे, इनको तत्काल मुआवजा दिया जाए।